बिस्मिल्लाह। आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड। 1 से 3 तक हम लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 से जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। यानी इससे पहले अभी तक ये होता आया था कि आपके पास इक्वेशन दी होती थी और उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, यानी कि रूट्स निकालते थे। लेकिन इस मरतबा ये है कि हमें रूट्स दिए हुए और इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये देखें कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जब ए से कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए। और फिर ये जो प्लस बी अपॉन ए है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, ये बराबर होता है सम ऑफ द रूट्स के, तो इसकी जगह हमने सम ऑफ द रूट्स लिख दिया। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है सी अपॉन ए, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, तो इसकी जगह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स दिए हुए हों तो उनकी इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। यानी कि सम मिल जाए रूट्स का और प्रोडक्ट मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम इक्वेशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 हम लेते हैं। 3 प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, हमने सम ऑफ द रूट्स निकालना है। हमने दोनों को ऐड किया, एक प्लस के साथ लिखा और एक माइनस के साथ, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 2 3। सम ऑफ द रूट्स 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी है, तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस बी जो है रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 है, 4 अपॉन 4 1। सम ऑफ द रूट्स 3 आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आया, इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। यानी इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास यही रूट्स आएंगे। इसी तरह एक इसका 6 पार्ट देख लें। एक रूट ओमेगा है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि वो माइनस वन होता है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, जबकि ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 के इक्वल होती है। तो अब आप ये देखिए कि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है, ये माइनस वन के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ओमेगा क्यूब होता है, ये 1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला हमने लिखा, इसमें इनकी वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, मतलब ये जो बेसिक इक्वेशन है वो हमने निकाल। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन दैट वन रूट फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मे बी, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 3 टाइम्स ईदर। कंडीशन का मतलब ये हुआ यानी इस इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होगी कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स हो जाए। तो कंडीशन का मतलब ये होगा कि आपको ए बी और सी इनके दरमियान रिलेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा टाइम्स बीटा ये बराबर होगा सी अपॉन ए के, क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता है। अब कंडीशन ये दी हुई है कि एक रूट दूसरे का फर्स्ट पार्ट में 3 टाइम्स है। एक रूट अल्फा ले लेते हैं तो दूसरा रूट बीटा होगा वो पहले का 3 टाइम्स होगा, तो पहला अल्फा था तो दूसरा रूट क्या हो गया बीटा 3 अल्फा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमें पता है माइनस बी अपॉन ए, बीटा की वैल्यू 3 अल्फा यहाँ रख दीजिए, अल्फा प्लस 3 अल्फा हो जाएगा 4 अल्फा, जो कि बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन 4 ए।
फिर इसके अलावा आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता है, तो क्योंकि आपको अल्फा नहीं चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो ए बी सी के दरमियान रिलेशन चाहिए, तो इस वजह से हम दूसरी चीज़ को भी यूज़ करेंगे। तो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बीटा की वैल्यू 3 अल्फा रख दी आपने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की जगह आप वैल्यू रख दीजिए उसकी जो कि -b/4a थी, यहाँ पर आपने ये वैल्यू रख दी जो कि -b/4a और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब 3 ऐसी रहेगा, इनका स्क्वायर होगा तो b/16a² हो गया इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 16a² जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से इसका स्क्वायर कैंसिल, 16ac इधर आ गया और दूसरी तरफ 3b² है। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन निकाल लिया जो कि ए बी सी के दरमियान है। अब इसके बाद जो सेकंड है इसका, इसमें आपसे कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा बीटा जो होगा वो पहले का स्क्वायर होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले क्या किया, यहाँ पर अल्फा टाइम्स बीटा निकाल लिया, तो अल्फा टाइम्स बीटा, बीटा की वैल्यू पता है कि अल्फा स्क्वायर है तो बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर रख दिया, तो ये अल्फा क्यूब आ गया जो कि सी अपॉन ए है। अच्छा, फिर यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, दोनों तरफ पावर 1/3 ले ली, इधर ही पावर 1/3, इधर भी पावर 1/3, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए की पावर 1/3। यहाँ पहले सम क्यों नहीं किया, सम यहाँ पर इस वजह से नहीं किया कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता, बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर रख भी देते तो भी हम अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल पाते, इस वजह से पहले प्रोडक्ट ले लिया। अब इसके बाद हमें बीटा पता है जो कि अल्फा स्क्वायर है, तो बीटा बराबर होगा अल्फा स्क्वायर के, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो है ये सी अपॉन ए की पावर 1/3 ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पावर के पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए की पावर 2/3 बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी निकाल लेंगे, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू -b/a आ गया। सारी वैल्यूज हमने रख दी, ये एक कंडीशन जो है वो आ गई है बी ए बी सी के दरमियान, लेकिन जाहिर है कि इसमें पावर फ्रैक्शन में है और मतलब इससे एक मीनिंगफुल जो है वो आपको इक्वेशन नहीं मिल रही, तो मुनासिब ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि पावर 1/3 है फ्रैक्शन में ये है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, इधर भी क्यूब किया इधर भी क्यूब कर दिया, ठीक है, क्यूब किया तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने लिखा a का क्यूब, a आपके पास c अपॉन ए की पावर 1/3 है, इसका क्यूब कर दिया, फिर प्लस 3a का स्क्वायर, तो c अपॉन ए की पावर 1/3 इसका स्क्वायर आ गया, फिर c अपॉन ए की पावर, फिर b की पावर 1 होती है तो आपके पास b जो है वो c अपॉन ए की पावर 2/3 है, तो b ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3a, a आपके पास c अपॉन ए की पावर 1/3 है वो लिख दिया आपने, फिर प्लस b की पावर 2, तो b आपके पास c अपॉन ए की पावर 2/3 है, इसकी पावर 2 लिख दी, फिर प्लस बी क्यूब, तो बी सी की पावर, सी अपॉन ए की पावर 2/3 है, इसका क्यूब लिख दिया। अब देखें 3 से 3 कैंसिल, सी अपॉन ए बचा, यहाँ पे 2/3 पावर हो जाएगी, ये 2/3 हो जाएगी, ये पावर 1/3 रह जाएगी, ये 2 2 4 4/3 हो जाएगी, और ये 3 से 3 कैंसिल, पावर 2 बचा, ये -b³/a³ आ गया। अब आपके पास यहाँ क्या होगा, ये सी अपॉन ए ऐसी रहने देंगे, इन दोनों को पावर्स को ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगी, इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो 1 + 4 = 5, 5/3 हो जाएगी, प्लस c² / a² इज इक्वल टू -b³/a³ आ गया। इसके बाद जो है सी अपॉन ए ऐसी रहने दिया, इसमें देखें कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है सी अपॉन ए की पावर 1, वैसे इससे बड़ी पावर भी ले सकते हैं लेकिन ये इस वजह से कॉमन ले रहे हैं कि इसके अंदर जो कुछ बचेगा उसकी वैल्यू हमें पता है और ये फ्रैक्शन वाली पार्ट जो हैं ये इसको रखने के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। सी की पावर 1 कॉमन ले लिया, 1 इसमें से माइनस हो तो 1/3 बचेगा, 1 5/3 में से माइनस हो 2/3 बचेगा, ये चीज़ किसके बराबर है, ये यहाँ लिखा हुआ है -b/a के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे बाकी सब वैसे ही रहेगा -b/a रख दिया यहाँ पर इसकी जगह, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा।
सिंप्लीफाई किया, सी अपॉन ए सी आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3bc अपॉन a मल्टीप्लाई बी ए स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही था। अब क्या करें, नीचे ही जो a क्यूब नजर आ रहा है इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हर क्यूब, हर चीज a क्यूब से मल्टीप्लाई हो गई। जब a क्यूब से हर टर्म मल्टीप्लाई होगी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई होने के बाद ये बच गया। अब क्या करें, अब ये करें कि इस चीज को दूसरी तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस बी क्यूब जाकर प्लस बी क्यूब हो गया, ये प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ऐसी रहा और 3abc तो चले गया, दोनों में से कॉमन ए सी आ गया, तो फिर आपके पास ये इसका कंडीशन आ गया। ये एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है कि इसमें नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ए और बी, ए बी सी के दरमियान कोई रिलेशन है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ दी अदर, एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे का। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जैसे 5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस 5, 1/2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस 1/2, ये कहलाते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी जिन दो को ऐड किया जाए तो उनका सम जो है वो जीरो आ जाए। तो अगर अल्फा एक रूट है तो दूसरा उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, तो अल्फा का एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस अल्फा, तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की जगह माइनस अल्फा रखा, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ए को उधर ले जाए तो जीरो इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ए सी कुछ भी हो जाए, तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन आ गई कि दोनों रूट्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इसमें आंसर में एक और चीज़ दी हुई है कि ए और सी का साइन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए ज़रूरत नहीं है ए और सी का साइन अपोजिट होने से। बस ए और सी का साइन अपोजिट होने से ये होगा कि रियल रूट होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। लेकिन अगर ए सी का साइन एक जैसा हुआ तो फिर रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, लेकिन होगा एडिटिव इन्वर्स ही। तो इस वजह से बस ये कंडीशन काफ़ी है कि बी इज इक्वल टू जीरो। फोर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दी अदर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव ये होता है कि जिन दो का प्रोडक्ट वन हो जाए, तो यानी कि एक टू है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है ये अल्फा एक हो गया, तो बीटा 1/अल्फा के बराबर हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट ले लें, जब प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर ये बीटा की जगह 1/अल्फा रखेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल्स, ए द डिवाइड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा सी के। तो इसकी कंडीशन है ए इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से ये हमने इसके चारों पार्ट्स के लिए क्वेश्चन 5 के। अब इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड के इफ वन रूट ऑफ 4y² माइनस 7ky प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो इज जीरो। यानी कि इस इक्वेशन का अगर एक रूट जीरो हो जाए तो ये कह रहे हैं कि k की क्या वैल्यू होगी। अब इस इक्वेशन में a क्या होगा, जो कि y² का कोएफिशिएंट होगा, तो वो कितना है 4। b क्या होगा, जो कि y का कोएफिशिएंट होगा, जो कि -7k है। c क्या होगा, जो कि कांस्टेंट है, यानी कि k प्लस 4। एक रूट जीरो होगा तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो एक रूट अल्फा होता है, दूसरा रूट बीटा होता है, तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि एक रूट जो कि जीरो होगा वो बीटा है। अब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बीटा की जगह जीरो रख दिया तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ सी की जगह के प्लस 4 रखा, ए की जगह 4 रख दिया, 4 हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो के प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास -4 आ गए। तो इस तरह से आपने k की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड m इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 6z² माइनस 3mz प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। यानी कि सम ऑफ द रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, ये इन्होंने कहा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि आप m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने लिखा सम ऑफ द रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, a की वैल्यू 6 है यहाँ से निकाल ली, b की वैल्यू -3m है यहाँ से निकाल ली, c की वैल्यू 5 है यहाँ से निकाल ली आपने। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c अपॉन ए। इनकी वैल्यूज रखी, माइनस b की वैल्यू -3m, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 5, b की a की वैल्यू 6, 6 है 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3m बराबर हो गया 5k, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 5/3। तो इस तरह से हमने
क्वेश्चन 7 कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए पॉजिटिव हैज फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि बोथ रूट्स पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ बी इज लेस देन जीरो एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। आई डबल एफ इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि पहले ये लिया जाए और ये प्रूव कर दिया जाए, यानी कि पहले बोथ रूट्स पॉजिटिव लिया जाए और ये कंडीशन प्रूव कर दी जाए बी इज लेस देन जीरो एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। फिर उसके बाद ये किया जाए कि ये दो कंडीशंस ली जाएं और प्रूव कर दिया जाए कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे ख्याल में ये इफ एंड ओनली इफ नहीं बल्कि सिर्फ इफ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ इफ होना चाहिए, क्योंकि हम अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो उसका मतलब तो ये आएगा, लेकिन अगर b लेस देन जीरो लें और c ग्रेटर देन जीरो ले लें तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ये कैसे, अभी मैं करके भी आपको दिखा दूंगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। हमने अस्यूम कर लिया कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, यानी दो प्लस के नंबर हैं, समझ लें। अब आपको पता है दो प्लस के नंबरों को ऐड किया जाए तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में रहेगा। प्लस का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के, और ये ग्रेटर देन जीरो है। ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, माइनस बी को उधर ले जाइए तो माइनस बी जब उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो जीरो इज ग्रेटर देन बी। दूसरे लफ्जों में बी इज लेस देन जीरो, दूसरे लफ्जों में आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, और जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर से लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको सी ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है तो अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा। ए को उधर ले जाइए तो सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये दूसरी कंडीशन भी आ गई। रहा सवाल उस चीज़ का जो मैं बता रहा था, वो ये सीधी सी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जो है वो लेके देख सकते हैं आप, कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी डिसप्रूव करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होती है। यहाँ ए वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। बी माइनस वन है जो कि लेस देन जीरो है, ठीक है। सी ग्रेटर देन वन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, यानी हम बी लेस देन जीरो सी ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, लेकिन देखेंगे इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर एक्स की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो एक्स बराबर होगा माइनस बी की जगह माइनस वन रखेंगे, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी का स्क्वेयर तो माइनस वन का स्क्वेयर माइनस फोर, ए की जगह वन रखेंगे, सी की जगह भी वन रखेंगे, डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बी वन, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ये आयोटा हो जाएगा, ये जो है आपके पास एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। अब देख लीजिए ये ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो इस वजह से जो है वो इस कंडीशन का मतलब ये नहीं है, ये जो कंडीशन दी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन रूट्स पॉजिटिव हों तो ये कंडीशन लाजमी होगी, ये बात ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखें, बोथ रूट्स
नेगेटिव इफ, इफ एंड ओनली इफ को हम फिलहाल इफ पढ़ेंगे, ठीक है। इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम क्या करेंगे, दोनों रूट्स को नेगेटिव लेंगे, बी इज ग्रेटर देन जीरो है और सी ग्रेटर देन जीरो है, ये प्रूव करना है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनका सम भी दोनों लेस देन जीरो होगा, तो माइनस बी अपॉन ए लेस देन जीरो, ए उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस बी इज लेस देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस बी को दे ले जाए, तो जीरो इज लेस देन बी, यानी कि बी इज ग्रेटर देन जीरो। प्रोडक्ट ले लें, दोनों नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है कि पॉजिटिव आता है, तो अल्फा टाइम्स बीटा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो सी अपॉन ए अल्फा टाइम्स बीटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए उधर ले जाके जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज ग्रेटर देन जीरो, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई। तीसरे में कह रहे हैं कि वन रूट पॉजिटिव एंड दी अदर नेगेटिव, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि अल्फा टाइम्स बीटा, हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो लाजमी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी अल्फा टाइम्स बीटा लेस देन जीरो हो जाएगा, तो सी अपॉन ए लेस देन जीरो, तो जीरो ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इज लेस देन जीरो, ये हमने तीसरी कंडीशन जो है प्रूव कर दी। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नाइन देखिए, क्वेश्चन नाइन में आपसे क्या कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर्म दी इक्वेशंस हुज रूट्स आर दीज। तो देखिए, यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यानी कि अगर ये इक्वेशन है तो उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अगर रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो जाए, यानी कि जो इक्वेशन है उनके रूट्स का क्यूब हो जाए, तो फिर हमारे पास नई इक्वेशन क्या होगी ये हमसे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, तो ये तो इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास जो है वो अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस क्यू अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी यहाँ क्यू है, ए पी है, तो माइनस क्यू अपॉन पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए होता है, तो आर अपॉन पी हो जाएगा। इक्वेशन वो यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो, हमें चाहिए सम ऑफ द रूट्स, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन किसकी चाहिए, हमें इक्वेशन उनकी चाहिए जिनके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है और सम ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा टाइम्स बीटा उसका क्यूब हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हर चीज को अल्फा टाइम्स बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो अल्फा टाइम्स बीटा में कन्वर्ट हो गया, अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू है आर अपॉन पी, तो आर अपॉन पी हमने रख दी, इसका क्यूब कर दिया, तो आर, क्योंकि अल्फा टाइम्स बीटा आर अपॉन पी है, तो यह हमने आर अपॉन पी रख दिया, ये आपके पास आ गया, इसका क्यूब किया तो आर क्यूब अपॉन पी क्यूब जो है ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे जो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है। अब इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा में कन्वर्ट करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का मसला है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ लिख दें, माइनस अल्फा बीटा को अलग कर दें। ये जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने जो है वो पढ़ा था शुरू में पिछले लेक्चर में, और क्वेश्चन जो है वो जब हम टू सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के। तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, माइनस अल्फा बीटा पहले से मौजूद है, ये माइनस टू अल्फा बीटा माइनस थ्री अल्फा बीटा हो जाएगा। अब सब कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा में कन्वर्ट हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी रख दिया, अल्फा टाइम्स बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन अल्फा टाइम्स बीटा की जगह आर अपॉन पी रख दिया, इनको सिंप्लीफाई किया, माइनस क्यू अपॉन पी ऐसे रहने दिया, ये आपके पास इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया थ्री मल्टीप्लाई थ्री आर अपॉन पी आ गया, पी स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर वन आ गया, वन इंटू क्यू स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड पी पी आ गया, पी मल्टीप्लाई होगा थ्री आर से थ्री पी आर हो गया, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी मल्टीप्लाई भी पी पी क्यूब होगी, पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर पी क्यूब हो गया, और ये क्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया माइनस क्यू पहले से मौजूद है,
ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, अब ये सॉरी सम ऑफ द रूट्स आ गया, तो सम ऑफ द रूट्स की जगह ये रख दिया हमने जो फॉर्मूले में होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह ये रख दिया। पी क्यू से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, चाहे तो क्यू से अंदर मल्टीप्लाई भी करते वरना ये आंसर काफी है। अब इसका पार्ट टू देखिए, पार्ट वन हमने किया, पार्ट टू में कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन तो ये है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और इस इक्वेशन के, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू हो। तो अब रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू है, तो निकालना वही है हमें, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स के लिए हमने दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, टू प्लस टू फोर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी रख देंगे क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी और अल्फा टाइम्स बीटा आर अपॉन पी। तो ये हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी रख देंगे, एलसीएम लेंगे माइनस क्यू प्लस फोर पी अपॉन पी आ जाएगा, या फोर पी माइनस क्यू लिख दीजिए या माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा टाइम्स बीटा अल्फा बीटा, टू अल्फा टाइम्स टू अल्फा, टू टू अल्फा हो जाएगा और टू टाइम्स बीटा टू बीटा हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई बी टू फोर हो जाएगा। इन बीच वालों में से टू कॉमन ले लें तो आपके पास ये टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा टाइम्स बीटा की जगह आर अपॉन पी रख दीजिए, फिर टू ऐसी रहने दिया और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी रख दिया और फोर ऐसी रहा। इसके बाद जो है वो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसके बाद एलसीएम लिया तो आर माइनस टू क्यू प्लस फोर पी अपॉन पी आ गया। इक्वेशन हमारे पास ये होती है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमने यहाँ रख दिए, इसको पी को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, यानी ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद जो है इसका ऐसा करते हैं कि ये सारे इसी तरह के पार्ट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है और तमाम चीज़ों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा में कन्वर्ट करना है। अभी इसका पार्ट फाइव फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये माइनस वन अपॉन अल्फा क्यूब और माइनस वन अपॉन बीटा क्यूब रूट्स दिए हुए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनका प्रोडक्ट आ गया वन अपॉन अल्फा बीटा का क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी है, इसका क्यूब लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर क्यूब अपॉन पी क्यूब, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पी क्यूब अपॉन आर क्यूब आ जाएगा क्योंकि वन अपॉन है ये। सम ऑफ द रूट्स इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन दोनों में पहले ही कॉमन ले लेते हैं ताकि मसला खत्म हो, इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ गया, यानी सिंपल ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई हुआ। अल्फा क्यूब पहले लिख दें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दें जो कि यहाँ पर आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की निकाली है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने ये निकाली है तो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं ये निकालें, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया अलग से तो फिर आपको ये निकालनी पड़ेगी जो उस क्वेश्चन में निकाली थी आपने। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वैल्यू रख देंगे, फिर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा में सब कुछ कन्वर्ट हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा टाइम्स बीटा की जगह आर अपॉन पी, ये सब वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन की आपने, कैलकुलेशन के बाद ये आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ रखी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू रखी, आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा आर क्यूब, फिर उसके बाद आर क्यूब, इसके बाद एक्स, फिर उसके बाद माइनस क्यू टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी आर टाइम्स एक्स प्लस पी क्यूब, ये आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन टेन देखें, क्वेश्चन टेन में कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल हो। तो पहले तो ये बताइए इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अब इनके डबल जो रूट्स होंगे उनकी इक्वेशन निकालनी है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नाइन हमने किया था, ए की वैल्यू वन हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू पी हो जाएगी, अल्फा क्योंकि इसका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होगा जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है,
माइनस है सीरा, बी की जगह माइनस क्यू रखेंगे, ए की जगह वन रखेंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्यू के इक्वल आ गया। अल्फा टाइम्स बीटा निकालेंगे जो कि सी अपॉन ए होता है, जो कि पी अपॉन वन हो जाएगा, तो ये आपके पास पी आ गया। अब हमें ये कह रहे थे कि रूट्स डबल हो जाएं, तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो डबल होकर टू अल्फा और टू बीटा हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, सबको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, और सबको हमें लेना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा में सम ऑफ द रूट्स होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। टू कॉमन ले लिया, टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, यहाँ रख दी, टू क्यू आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हो जाएगा टू अल्फा टाइम्स टू बीटा, ये हो जाएगा फोर अल्फा बीटा, फोर ऐसी रहा, अल्फा टाइम्स बीटा की जगह पी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया फोर पी। तो टू क्यू और फोर पी इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन वाई की फॉर्म में थी, आपने वाई की फॉर्म में जो है लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि आप वाई की फॉर्म में लिखें, एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन वाई में दी हुई है तो बेहतर ये कि आप वाई की फॉर्म में लिखें। तो वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द रूट्स की जगह टू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह फोर पी। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इसकी जो ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उसका रेसिप्रोकल रूट्स हो तो फिर इक्वेशन क्या होगी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, हम एस्यूम कर लेते हैं कि इसके एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा, तो वो जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स क्या होंगे, इनका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएंगे वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा। बहरहाल ये जो दी हुई है इसके मुताबिक क्या होगा, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस सिक्स, सी की वैल्यू एट, अल्फा प्लस बीटा यानी एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, जो कि बी की वैल्यू रखेंगे माइनस सिक्स, ए की वैल्यू वन रखेंगे तो सिक्स आ गया। अल्फा टाइम्स बीटा सी अपॉन ए, तो एट अपॉन वन इज इक्वल टू एट, तो सिक्स और एट ये आ गया। वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा क्योंकि ये रूट्स हैं, रेसिप्रोकल कहा हुआ है, तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, इनका सम निकालेंगे, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह सिक्स रखा, अल्फा टाइम्स बीटा की जगह एट रखा, टू से कैंसिल किया, थ्री अपॉन फोर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई कर दिया, वन अपॉन अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा एट है तो वन अपॉन एट आ गया। फॉर्मूला लिखा आपने, वैल्यूज रखी, एट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स एट एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको देखना है एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमारा आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें।